सो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि फोन गिरा अबे गिरा। तो बैकग्राउंड पे ध्यान मत देना और आसपास जो आवाज़ें हैं उनको इग्नोर करना, क्योंकि समझ सकते हो यार ये पब्लिक एरिया है। और कुछ लोगों को वीडियो का टॉपिक मतलब देख के ही हंसी आ रही होगी, तो हंसने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पहले समझना होगा कि यूट्यूब पे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओमेगल में टेक्निकल एरर शो कर ही क्यों रहा है, मतलब अकेले। तो आज मैं बात करूंगा कि कैप्टन अमेरिका नहीं हो रहा यार। तो आज मैं बात करूंगा कि कैप्टन अमेरिका का शील्ड कैसे काम करता है। और मैं इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा कि कैप्टन अमेरिका कैसे बना, मतलब स्टीव जॉब्स इतना मुश्किल नाम उसका। तो आप सबने कैप्टन अमेरिका को तो देखा होगा, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, नहीं भी देखा होगा तो उसके बारे में सुना तो होगा, सुन तो सबने रखा होगा। तो आज नहीं, आज हम उसके बारे में नहीं, उसके शील्ड के बारे में बात करेंगे। हाँ, वही शील्ड जिसे टोनी स्टार्क के पिताजी ने बनाया था, मतलब हावर्ड स्टार्क ने, और वो बना है वाइब्रेनियम मेटल से। वाइब्रेनियम एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है जो वाइब्रेशन तक को एब्जॉर्ब कर सकता है, वैसे इतना बड़ा काम नहीं है। और तो आज हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जस्ट टू नो अबाउट कि ये पहन के लंड। तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड, आप सब जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड है जिसे वो इतनी अच्छी तरीके से यूज करता है जितने अच्छे तरीके से हम अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी किससे है, उसे बनाया किसने है, और क्या उसमें सच में कोई मैकेनिज्म है, मतलब वो काम कैसे करता है। तो उसे बनाया था, मतलब शील्ड को बनाया था टोनी स्टार्क बहनकर। तो क्या बैंड के लिए